नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सीखा ऑनलाइन रेडर फर्स्ट स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सीखी बीस जो लेटेस्ट अपडेट के साथ हम बात करेंगे 69,000 को लेकर, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर दोस्तों महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि EWS आरक्षण की जो मांग है दोस्तों 69,000 के अंदर की गई है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से काउंटर फाइल किया गया था कि EWS मुद्दे की याचिका को खारिज कर दिया जाए। खारिज के साथ साथ ये भी कहा गया है कि याचिकाओं के ऊपर जुर्माना लगा दिया जाए। तो उसके बाद में दोस्तों इंतजार किया जा रहा था इस केस के लिस्टेड होने का, और जैसे ही लिस्टेड होगा दोस्तों मैंने आपको कहा था मैं आप सभी को जानकारी दे दूंगा। तो EWS मुद्दे पर हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, जहां पर 69,000 भर्ती के अंदर 10% आरक्षण की जो मांग है वो की गई है। साथ में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी दोस्तों EWS मुद्दे पर सुनवाई होने वाली है, मतलब फैसला आने वाला है। दोनों की सुनवाई की अपडेट हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा सर्विस सिंगल दोस्तों आप सभी के सामने 83/40/2020 लखनऊ के अंदर सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट की अपडेट मैं आप सभी को बताऊंगा। वहीं पे दोस्तों आप सभी देखेंगे शशांक पांडे के नाम से याचिका दाखिल की गई थी, जो कि दोस्तों आप सभी के सामने है। सुनवाई दोस्तों आज की डेट के अंदर होने वाली है। आप सभी नीचे देखेंगे 5/8/2020 आप सभी के सामने कोर्ट नंबर 22 के अंदर इसकी जो सुनवाई है वो होने वाली है। 30वें नंबर पर जो केस है दोस्तों लगा हुआ है। अभी दोस्तों अगर बात करें कोर्ट अपडेट को लेकर, तो कोर्ट से दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ फिलहाल जो केस चला 30वें नंबर का केस चल रहा है। जैसे ही दोस्तों 30वें नंबर का केस आएगा सारी अपडेट दोस्तों आप सभी को ऑनलाइन रेडर फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड, क्योंकि अभी तक जो सुनवाई है वो शुरू नहीं हुई। जैसे सुनवाई शुरू होगी सबसे पहले दोस्तों आप सभी को ऑनलाइन रेडर फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अभी दोस्तों कोर्ट के अंदर 30वें नंबर का जो केस है वो चल रहा है। फिलहाल जो आपका केस लगा वो 30वें नंबर पर लगा है, मतलब 13 पर। तो उसके आने में कम से कम मान के चलिए 1 से 1.5 घंटे का समय लग सकता है। जैसे ही कोई अपडेट निकलेगी सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आप सभी को बताया कि मामला एक और लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां पे EWS को चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों आज अपना फैसला देने वाली है। मामला क्या है? मामला आप सभी को पता है कि EWS दोस्तों यहां पे लागू किया था, कि लागू होने के बाद में यहां पे आपने देखा कि सरकार की तरफ से दोस्तों यहां पे अगर संविधान के अंदर संशोधन करके EWS लागू किया गया, इसी को यहां पे चैलेंज किया था। तो ऐसे में जो भी फैसला होगा, जो भी अपडेट निकलेगी सुप्रीम कोर्ट से आप सभी को बता दी जाएगी। अभी तक दोस्तों वहाँ पर जो फैसला है वो नहीं सुनाया गया है। अगर हम बात करें केस नंबर 1 चल रहा है, जैसे दोस्तों आगे जो केस है बढ़ेंगे वहाँ से जो भी अपडेट निकलती है चीफ जस्टिस की बेंच के अंदर दोस्तों आज जो फैसला है वो सुनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो EWS के मुद्दे को लेकर एक फैसला दोस्तों आज वहाँ से देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ आपको पता है कि हाई कोर्ट के अंदर सरकार ने जो मांग की है या फिर याचिकाओं ने जो मांग की है, दोनों में से कोई भी अपडेट निकलेगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन रेडर फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से मिलती जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।